लोग सोच रहे होंगे महाराज भोग की वजह से मैं ऐसा। महाराजा भोग की इस महाथाली में मेरे साथ आज मेरी डाइट कैसी की तैसी। yes. आज कर लीजिए चीट। चीट नहीं, क्राइम कर रहा हूं मैं आज। So, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और इस वक्त मेरे साथ वो व्यक्ति हैं जिनसे मैं एक डायलॉग सुनना चाहता हूं। पहले गौरव भाई, हम कितने दिनों बाद मिल रहे हैं? 4 साल 8 महीने 9 दिन पर गिनता कौन है? क्या बात है। तो स्वागत कीजिए देसी थॉर का, गौरव चोपड़ा का, टेलीविजन के बेहतरीन एक्टर। अगर टेलीविजन की कोई हिस्ट्री की बुक लिखी जाएगी तो गौरव चोपड़ा का नाम सुनहरे अक्षरों से होगा, क्योंकि उन्होंने वर्सेटिलिटी के कैरेक्टर्स निभाए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका महाराजा भोग की इस महाथाली में मेरे साथ। थैंक यू। सो गौरव जी, सबसे पहले तो मुझे जानना है कि वो लोग सोच रहे होंगे महाराजा भोग की वजह से मैं ऐसा हस्बैंड। हाँ भाई, मैं एक्चुअली पहले यही लुक की बात करना चाह रहा था। जब आप एंट्री करे मुझे ऐसा लगा कि यार ये कौन आ गया, मतलब एकदम टोटली चेंज। जो आपने मुझसे मुलाकात की थी 2019 में और अब मुलाकात कर रहे हैं एकदम बड़ी मुस्टैच के साथ, बॉडी वॉडी एकदम, क्या है इसके पीछे राज? ये एक एक्चुअली इसके पीछे की दो बातें हैं। मैं गदर का सीक्वल कर रहा हूँ, गदर 2, उसमें मैं एक आर्मी ऑफिसर का रोल कर रहा हूँ। उसमें मेरी एक बहुत स्लीक सी मुस्टैच है, मैं उस मुस्टैच को बढ़ा रहा था और हमारा शेड्यूल पोस्टपोन हो गया बारिश की वजह से, क्योंकि आउटडोर और एक्शन सीक्वेंस है, तो काटी नहीं। ओके। और इसी दौरान किसी और राइटर से मुलाकात हुई, वो कुछ कुछ ऐसी कहानी लिख रहे थे। उनके कैरेक्टर जो है, जो मेन कैरेक्टर हैं उनके, वो एक सिख कैरेक्टर है, 1947 की कहानी। ओके। तो एक्सपेरिमेंट के तौर पे बढ़ा के देख रहे हैं कि कैसी लगती है। अगर अब आप लोग बोलेंगे कि मैं पास हो गया तो हम रख लेंगे, अगर आप लोग बोलेंगे बहुत बुरी लग रही है तो हम काट लेंगे। नहीं नहीं, बुरा तो कोई नहीं बोलेगा, सब आपको पास ही करेंगे गौरव भाई। अच्छा, पहले तो कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि थॉर लव एंड थंडर ने बवाल मचा दिया। आपकी अगेन आपकी आवाज़ की तारीफ हो रही है। जिस तरीके से आपने किरदार को शो किया है, जिस तरीके से आपने देसी उसे वर्जन दिया है, वो अमेजिंग है। गौरव जी, पास में मैंने मुलाकात करी थी आपसे, तो आपने बोला था कि मैं पूरा उसको ड्रामेटाइज करता हूँ और ये चीज वो चीज। एक चीज मैं पूछना भूल गया था कि आपको स्टॉर्म ब्रेकर मिला था क्या जब आप एक्शन करते हैं? और नहीं, मैं स्टॉर्म ब्रेकर के साथ नहीं करता, बट मैं एक्चुअली वहाँ पर जो हमारी स्क्रिप्ट होती है उसको ऐसे रोल करके वो जब वो फेंकने वाला पोर्शन होता है उसमें मैं एक हवा में करने के बजाय एक्चुअली स्क्रिप्ट को लेकर के ऐसे करता हूँ, ताकि वो जो एक सांस होती है आपकी मूवमेंट वाली वो करेक्ट आए। बट इस बार तो वैसे भी स्टॉर्म ब्रेकर जेलस गर्लफ्रेंड की तरह था, तो यू नो पुरानी मोहब्बत से जेलस हो रहा था। बट यू नो थॉर जैसा जो कैरेक्टर है उसे आप अगर सिर्फ लैंग्वेज की ट्रांसलेशन के बेसिस पर डब करते रहेंगे तो उसकी वो लार्जर देन लाइफ चीज चली जाएगी जी। उसकी लार्जर देन लाइफ चीज पोर्ट्रेयल और परफॉर्मेंस से ही आती है जी। अगर वो गलती भी करता है, फंबल भी करता है, किसी मोमेंट में टेम्परेरीली कुछ बेवकूफ़ी की बात भी करता है, इट स्टिल हैज टू बी लाइक अ गॉड, ही इज नॉट अ ह्यूमन बींग। उसकी एक लार्जर देन लाइफ फील कभी नहीं जानी चाहिए, और वो लार्जर देन लाइफ फील के लिए मैं वो अपना एक परफॉर्मेंस का जो मेरा पॉइंट है वो हमेशा रखता हूँ, कि जो हमारी इंडियन ऑडियंस है उसको मैं जानता हूँ थॉर से बहुत प्यार है मार्वल यूनिवर्स में, और मेरा ये मानना है कि वो थॉर की हीरोइज्म, वो थॉर की स्ट्रेंथ, वो थॉर की इंटेंसिटी अच्छी लगती है यहाँ पर लोगों को, तो वो कॉमेडी के बीच में भी मैं वो चीज़ों को मेंटेन करने की कोशिश करता हूँ। इस बार की सबसे ज्वलंत जो प्रॉब्लम हुई, जो मार्वल के ट्रू फैंस से सामने आई है, जो लोगों ने बोली है कि इस बार फिल्म तो थी, एक्शन भी था, सब चीज़ बढ़िया था, लेकिन कॉमेडी कुछ ज़्यादा ही घुसेड़ दी। इस पर आपका क्या टेक है? आपने जो फर्स्ट टाइम फिल्म देखी रिकॉर्ड करते वक्त, उस वक्त आपकी क्या फीलिंग थी और उस चीज़ को आपने कैसे टैकल किया, या आपको भी समझ में आई वो चीज़? फर्स्ट ऑफ ऑल
माई जॉब इज टू मेक एन इंडियन वर्जन ऑफ द फिल्म. सो फॉर एग्जाम्पल, मैं उसे ट्रांसलेशन नहीं कहता, मैं उसे इंडियन वर्जन कहता हूँ, हिंदी वर्जन कहता हूँ. क्यों? क्योंकि सिर्फ शब्दों का ट्रांसलेशन नहीं है, कभी कभार हम कॉन्टेक्स्ट भी बदलते हैं. कभी कभार हम ऐसी कोई चीज़ जो एक इंडियन ऑडियंस को समझ में नहीं आएगी, उसमें एक पूरा का पूरा पीछे का कॉन्सेप्ट भी चेंज करते हैं उस डायलॉग में, और हमें उसे एक इंडियन वर्जन बनाना होता है जिसमें हमारी इंडियन ऑडियंस को एंटरटेनमेंट भी मिले, मज़ा भी मिले, और जो उनका पसंदीदा कैरेक्टर है, उस पसंदीदा कैरेक्टर की चीज़ें जो उनको पसंद आती हैं वो रिटेन भी रहें. तो थोड़ा मेहनत और डिबेट वाला, बैलेंसिंग एक्ट वाला काम है. कभी 2 ग्राम इधर, कभी 2.5 ग्राम इधर, नहीं ज़्यादा हो गया, 50 वापस करो, ये करना पड़ता है. बहुत बार मैं डब करने के बाद, वापस आने के बाद, अगले दिन जाके बोलता हूँ वो जो कल सीन डब किया वो दोबारा करेंगे, और वो बड़े इरिटेट होते हैं क्योंकि वो काम हो गया, वो हमने भेज दिया, वो आप दोबारा क्यों कर रहे हो. तो मेरा ये होता है क्योंकि ओवरनाइट मुझे बैठकर लगता है कि उसके अंदर कोई एक चीज़ हम और ऐड कर सकते थे, कुछ और बोल सकते थे, किसी और तरीके से कर सकते थे. जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला डायलॉग जो अभी आपने बोला, 7 महीने 8 दिन वाला, इसके अंदर वो जो वो वाला हिस्सा है पर गिन कौन रहा है, वो मेरा है. अच्छा, तो वो मुझे लगा कि वो बताना नहीं चाहता कि मैं गिन रहा हूँ. जी, करेक्ट, राइट. वो अपनी गर्लफ्रेंड को एग्जैक्टली टू द डे बता रहा है कि कितने दिन हो गए मिले, बट वो बताना नहीं चाहता. उसको लगता है कि यू नो, मेरी गरज दिख जाएगी. Exactly. मैं तुमको मिस कर रहा था, पता लग जाएगा. तो ये छोटी छोटी चीजें आप ऐड करते हैं कभी कभार, जो डायरेक्ट ट्रांसलेशन में नहीं होती, बट जो कैरेक्टर के हिसाब से आपको बनानी होती है. अब क्योंकि ये मेरी 4थी थॉर की फिल्म है, तो एक कैरेक्टर की फील और कैरेक्टर को कैसे प्रेजेंट करना है वो मैं थोड़ा सा, मेरे मुझे वो उसकी फील आ गई है. सो कहीं मुझे लगता है कि जो लिखा है उससे थोड़ा सा 5 ग्राम इधर, 10 ग्राम उधर, उसके कजन ब्रदर बोलना है और रियल वो बात नहीं बोलनी, तो मैं कर लेता हूँ. ओके ओके, अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे भूख बहुत लग रही है, मुझे तो बात करते करते भूख लग रही है. तो मुझे लगता थाली इतनी बड़ी सामने है, तो सर्व करना चाहिए. महाराजा भोग आए तो भोग लगे लगाए बगैर कैसे जा सकते हैं. बातें तो हम करते रहेंगे. आज मेरी डाइट कैसी की तैसी. लोग कभी समझेंगे मैंने ये मूज गाड़ी आपकी इस डिनर के लिए बढ़ाई. मैं अकेला क्यों पी रहा हूँ? आप अकेले पीजिए क्योंकि मैंने ऑलरेडी पी लिया. ओके, तो अभी जब तक खाना आता रहेगा हम लोग बातचीत करते रहेंगे. गौरव जी, मुझे एक बात बताइए कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स फेज 4 को लोग इतना पसंद क्यों नहीं कर रहे हैं? मतलब आखिरकार क्या वजह हो रही है? पता नहीं, आई मीन यू नो, मैं अगेन, मैं पर्दे के पीछे हूँ तो कभी कभार ऑडियंस की कुछ और टेक होता, पर जैसा मुझे जो फैंस ने कम्युनिकेट किया है उस हिसाब से अवेंजर्स में एक कहानी, एक क्लाइमैक्स, एक कल्मिनेशन, एक पीक तक पहुंची जी, जिसमें इंटेंस ड्रामा, इमोशन, बहुत अच्छा एक्शन पहुंचा. तो उसके बाद जब एक नया फेज शुरू होता है जहां पे कहानियां उतनी इंटेंस अभी नहीं है, क्योंकि वो तो एक पूरे फेज का अंत था जी, तो वो कभी कभार इन कंपैरिजन थोड़ा सा लाइटर मैसेज, वो कभी कभार, थैंक यू, वो कभी कभार थोड़ा सा लाइटर लगता है इंटेंसिटी के नाम पर. ओके, क्योंकि लाइक आई सेड, वो उस फेज का एंड कल्मिनेशन था जी, एंड गेम और एंड मैं बोथ द एवेंजर सीरीज इंफिनिटी एंड. सो उसके बाद मे बी दिस फील्स लाइक ये थोड़ा सा कैजुअल है, ये थोड़ा सा इजी है. एक चीज और गौरव जी, मुझे लगता है कि इन लोगों ने ऑडियंस को थोड़ा सा, आपको लगता है कि टेकन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया है? I think इन फिल्म्स का कंपैरिजन आपको दूसरे फेजेस की शुरुआती फिल्म्स के साथ करना होगा. ओके, तब आप ये गेज कर पाएंगे कि ये पहले के मुकाबले कैसे कर रहे हैं. फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज में जो शुरुआती फिल्म्स थी जी, आप उन फिल्म्स को देखिए, उनका रोमांस देखिए, उनके कैरेक्टराइजेशन देखिए. मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो ऑडियंस को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, बिकॉज मैं ये बात जानता हूँ
आई एम नॉट पार्ट ऑफ डिज्नी, आई ओनली डब फॉर द हिंदी वर्जन, तो मैं अननेसेसरी उनको डिफेंड नहीं करना चाहता, बट ये सच है कि बहुत मेहनत होती है. यू नो, हम एक फिल्म देखते हैं और हमको कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, नहीं लगती, बट वो उस हर एक चीज़ के ऊपर बहुत मेहनत बहुत सारे लोगों की होती है. कभी कभार क्रिएटिवली कोई कुछ करने की कोशिश करता है वो हमें पसंद नहीं आता. जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मैं निफ्ट में फैशन डिज़ाइन पढ़ता था. अच्छा. स्कूल के बाद सीधा निफ्ट में 3.5 साल फैशन डिज़ाइन कर रहा था, और कभी कभार हम कुछ एक ऐसा डिज़ाइन बनाते थे, टीचर कहती थी कि अच्छा नहीं, और मैं हमेशा ये बोलता था पर मुझे तो अच्छा लगता है. तो आर्टवर्क और क्रिएटिविटी में एक डिबेट कभी भी हो सकती है. जी. आपको कोई चीज देखने में, कोई मॉडर्न आर्ट की पेंटिंग आपको देखने में समझ में नहीं आई, तो आपने कहा ये तो बेवकूफी है, कलर बस ऐसे फेंक दिया इन्होंने. और जिसको मॉडर्न आर्ट अच्छा लगता है वो उसको देखकर कहेगा कि यार ये तो करोड़ों रुपए की पेंटिंग है. करेक्ट. सो क्रिएटिविटी में ना कभी कभार किसी को कोई चीज अच्छी लगी, किसी को नहीं अच्छी लगी. आई पर्सनली थिंक अगर ऑडियंस की कोई ओपिनियन है, अगर ऑडियंस को कोई रिएक्शन है, तो वो उसको नजरअंदाज नहीं करेंगे. ओके. अगर कुछ रिएक्शन आ रहा है तो वो जरूर उसको इंक्लूड कर लेंगे अपने फ्यूचर फिल्म्स में, बिकॉज आई थिंक दे फील वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैक्ट दैट दे मेक ग्लोबल फिल्म्स. जैसे अब हम इंडिया में पैन इंडिया रिलीज की बात कर रहे हैं, दीज आर ग्लोबल फिल्म्स. यू नो, टॉप गन हैज अर्न्ड मोर देन $1.3 billion. So, दुनिया भर में $1.3 billion एक फिल्म ने कमा लिया, मतलब कुछ गरीब देशों की GDP से ज्यादा है ये. So, this looks mouth watering. आज कर लीजिए चीट प्लीज. चीट नहीं, ये क्राइम कर रहा हूँ मैं आज. एक चीट से कहीं ज्यादा है, मतलब इसके लिए जेल होगी मुझे. My God. But anyway. But anyway, thank you so much, girl. आप ये टेस्ट कर रहे थे पहले अपन. हाँ, मैं करने वाला हूँ. हम चीयर्स कर लें एक बार. चलो, let's see what the triangle is like. और भाई मेरा अगला सवाल है, एक पैन इंडिया और ये सारी चीजें आ गई तो साउथ की फिल्म्स आजकल बड़ा धमाल मचा रही है और बहुत बवाल कर रही है. पुष्पा ले लीजिए, आर 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 को तो ऑस्कर मिले, ऐसा सब ऊपर, मतलब न्यूयॉर्क टाइम्स में भी एक खबर छपी थी और उसको बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है. एंड KGF ले लीजिए. एक सवाल जो आ रहा है कि क्या बॉलीवुड खत्म? डू यू फील कि ऐसा कुछ है, बॉलीवुड को संकट है? नहीं, आई मीन हमें कन्नड़ा लैंग्वेज में बनी हुई फिल्म से क्यों कंपटीशन या ऊंच नीच सोचनी चाहिए? आई मीन ये सब हमारी इंडियन फिल्म्स हैं. और मेरे ख्याल से अब जो इंटरनेट की एज है और जो मिलेनियल्स का थोड़ा सा मिलेनियल्स की जो जनरेशन है, उन्हें अभी इंडिया रीजनल लेवल पर सोचने की जरूरत ही नहीं. अब हम दुनिया से कम्पीट कर रहे हैं. थॉर की बात करें तो अमेरिका से पहले इंडिया में रिलीज हुई. जी, करेक्ट. 7th July. करेक्ट, राइट. वहां पे 8th को आ रही थी, हमारे यहाँ 7th को आ रही थी. तो सोचिए कि अब इन दिस वर्ल्ड हम आपस में कम्पीट क्यों कर रहे हैं. RRR को अगर ऑस्कर मिलता है तो पूरी इंडिया ताली बजाएगी. KGF अगर 500 करोड़, 700 करोड़, 800 करोड़, 1000 करोड़ कमा रही है तो पूरी इंडिया ताली बजाएगी. जी. एंड व्हाई नॉट, बात सिर्फ लैंग्वेज की है ना, तो लैंग्वेज में डब हो जाती है, लैंग्वेज में सबटाइटल्स होते हैं, पर इट्स एन इंडियन फिल्म. सो आई पर्सनली फील साउथ इंडिया की फिल्म अच्छी कर रही हैं, पंजाबी फिल्म अच्छी कर रही हैं, गुजराती फिल्म अच्छी कर रही हैं, बंगाली फिल्म अच्छी कर रही हैं, डजंट मैटर. दीज आर ऑल इंडियन फिल्म्स, दिस इज द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री. द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में देयर इज अ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, देयर इज अ कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री. इट इज रियली स्टूपिड एंड सिली टू कम्पीट विद ईच अदर. आपका कॉम्पिटिशन सिर्फ उस डेट पर रिलीज का है. जी. क्योंकि भाई उस दिन रिलीज करेंगे तो कोई दूसरी फिल्म रिलीज हो रही है तो ऑडियंस कितना आएगी, कितना नहीं आएगी, बस वहां तक. वरना ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि, और जहां तक टेस्ट का सवाल है, एक टेस्ट लेकर आई हैं वो फिल्म्स, जिन फिल्मों का आपने नाम लिया. एंड आई थिंक हमारे यहाँ उस टेस्ट की फिल्मों को बनाने शुरू कर देंगे. पर्सनली स्पीकिंग आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज हर किस्म की फिल्में बननी चाहिए. राइट. और अगर हिंदी फिल्म्स में एक तरीके का फ्लेवर फिक्स हो रहा था जी,
तो इन फिल्मों के आने की वजह से और कुछ फिल्में जो नहीं चली हैं जी, उसकी वजह से आई थिंक अब उन्हें भी दूसरे टेस्ट और दूसरे फ्लेवर की फिल्म बनानी पड़ेगी, अलग अलग बजट्स में, अलग अलग एक्टर्स को लेकर। तो क्या होगा कि फाइनली सभी के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी, जितना वैरायटी वाला काम होगा उतने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग इंक्लूड हो जाएंगे और यू नो उनको मौका मिलेगा। सो पर्सनली आई थिंक दिस इज फैंटास्टिक। इसमें एक चीज़ है, रिसेंटली है ना, अभी आमिर खान साहब ने, उनकी फिल्म आ रही है लाल सिंह चड्ढा, तो उन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया और बोला कि अच्छा हुआ मैं सेव हो गया कि मैं KGF से नहीं टकराया, जस्ट बिकॉज क्योंकि शाहरुख खान की रेड चिलीज ने जो है VFX लेट भेजा था, अदरवाइज अगर टकराता तो क्या हिसाब किताब होता मुझे पता ही था। व्हाट यू वांट टू से अबाउट हिम? नो, ही इज ऑलवेज बीन अ वेरी मॉडेस्ट, हम्बल एंड पॉजिटिव पर्सन, एंड यू नो ही इज, उनकी बहुत इज्जत वाली पॉपुलैरिटी है हमारे देश में एंड वर्ल्ड में। आमिर खान की पॉपुलैरिटी इज नॉट जस्ट एज अ स्टार, नॉट जस्ट फॉर हिज लुक्स, उनसे एक सिनेमा की क्वालिटी की उम्मीद की जाती है, उनकी कहानी में किसी ख्याल, किसी पॉइंट, किसी सोशल स्टेटमेंट की उम्मीद की जाती है। एंटरटेनमेंट परफॉर्मेंस तो हम एक्सपेक्ट करते ही हैं, मतलब आमिर खान की फिल्म में अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो हम बोलेंगे ये क्या हो गया। सो ही इज बीइंग मॉडेस्ट व्हेन ही इज सेइंग, आई थिंक जब भी जो भी काम उन्होंने किया है, ही इज बीइंग वन ऑफ माय, एंड टू बी ऑनेस्ट यू नो टॉम हैंक्स जिनकी ओरिजिनल फिल्म है और फॉरेस्ट गम मेरी ऑल टाइम फेवरेट फिल्म्स में से है, और टॉम हैंक्स मेरे ऑल टाइम इंस्पिरेशनल एक्टर्स की लिस्ट में रहे हैं हमेशा, बिकॉज टॉम हैंक्स आपको कुछ भी बनकर, चाहे वो किरदार आपकी जिंदगी से कितना भी दूर हो, आपको अपने लिए इमोशन जगा देते हैं। ही हैज दैट पावर। वो एक रशियन इमिग्रेंट बनकर एक एयरपोर्ट पे गुम हो जाएंगे और आप उनकी चिंता हो जाएगी। ही इज सो एंडियरिंग टू वॉच, एंड राइट फ्रॉम हिज वेरी वेरी यंग एज। फॉरेस्ट गम से भी पहले मैंने उनकी एक फिल्म देखी थी बहुत साल पहले, जब मैं बहुत छोटा था, मुझे याद है कि वो फिल्म कॉल्ड बिग, अगर आप कहीं अवेलेबल हो तो जरूर देखिए। बिग इज अबाउट, इट्स अ वेरी क्यूट फिल्म, इट्स अबाउट अ लिटिल बॉय जो किसी एक सुपर नेचुरल मैजिकल मोमेंट में ओवर, क्योंकि ही कीप्स विशिंग कि मैं छोटा हूँ कोई मुझे ध्यान नहीं देता, मैं छोटा हूँ कोई मुझे मेरी अटेंशन नहीं देता, एक मैजिकल मोमेंट में बड़ा हो जाता है ओवरनाइट। तो अगले दिन ही इज अ ग्रोन अप मैन, बट एक्चुअली अंदर से ही इज अ बच्चा। दैट इज द कैरेक्टर दैट टॉम हैंक्स प्लेड, एंड ही प्लेड इट सो ब्यूटिफुली, बट ही इज ऑलवेज बीन सो गुड। सो आई एम सेइंग मेरी बचपन से ही हमेशा एक थी ये, इस ख्वाहिश से भी पहले कि मैं एक्टर बनूंगा। कुछ कुछ ऐसे एक्टर्स हैं, टॉम हैंक्स, अल पचिनो, रॉबर्ट डी नीरो, डैनियल डे लुइस, बट वो मेरे लिए वो मार्लन ब्रांडो, अल पचिनो, आई होल्ड देम अ लिटिल अबव, बिकॉज इन लोगों ने कमर्शियल फिल्म्स को भी मैजिकल बनाया है। Daniel Day-Lewis and everybody is fantastic. I just have a little extra sense of respect for these actors, जो थोड़े से 50s, 60s, 70s, 80s वाले actors हैं, क्योंकि hardcore commercial film में उस तरह की performance देना कभी कभार ज़्यादा मुश्किल होता है। Hard hitting script में performance देना आसान है, hard hitting commercial cinema में कुछ बहुत धमाकेदार परफॉर्मेंस देना, दिल छूने वाली परफॉर्मेंस देना ज़्यादा मुश्किल होता है। हमारे यहाँ भी बहुत अच्छे एक्टर्स रहे हैं, दिलीप साहब जो शुरुआती दौर में करते थे, कमल हसन साहब, मतलब सदमा के वो लास्ट सीन में वो भाग रहे हैं ट्रेन के पास, मतलब आप 100 बार देख लीजिए, आप 100 बार रो पड़ेंगे। दीज एक्टर्स हैव जस्ट बीन ब्रिलियंट एट व्हाट दे हैव डन। सो आई समटाइम्स फील द टेस्ट इज कि कमर्शियल सिनेमा में नाचते गाने के बीच में, नॉनसेंस डायलॉग्स के बीच में, कॉमेडी रोमांस के बीच में बहुत अच्छी दिल को छूने वाली परफॉर्मेंस करना कभी कभार ज्यादा मुश्किल है। देन लेट्स से समथिंग दैट इज मोर आर्टिस्टिक और आर्ट सिनेमा टाइप, जस्ट माय ओपिनियन। राइट, तो अभी खाते खाते हम थक गए हैं थोड़ा, नहीं बोलते बोलते थक गए हैं, अब थोड़ा सा खा लेते हैं। बर्फ जी, कैसा है टेस्ट? अच्छा, ऐसा लग रहा है कि 2-3 दिन का खाना आज ही होने वाला। पापड़ की सब्जी पापड़ की सब्जी बनती है ना, तो
वो है और जवारी की रोटी है। ये क्या है? ये थेपला। अच्छा गौरव भाई, एक और सवाल मुझे जानना है आपसे। फेज 5 शुरू होने वाला है मार्वल का, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का, किस पर्टिकुलर फिल्म को लेकर आप ज़्यादा एक्साइटेड हैं, या फिर पूरे फेज में कौन सी आपको मोस्ट प्रोमिसिंग और ऐसा लग रहा है कि हाँ ये कुछ अलग होगी, ये कुछ डिफरेंट होगी? मैं थोड़ा सा बायस्ड हूँ यार। अच्छा, चार फिल्में करने के बाद मेरा ध्यान थॉर वाली फिल्म्स की तरफ जाता है। So, I think there's one film, एक Guardians of the Galaxy, I'm not sure Thor is there or not there. क्योंकि इस कहानी में वो साथ में निकले थे एंड गेम के बाद। सो आई डोंट नो वो किस टाइमलाइन में है, अब इनके अलग होने के बाद है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी या वो बीच की टाइमलाइन की बात कर रही है या। सो आई डोंट नो वो उस फिल्म में होगा या नहीं, पर आई थिंक वो हर्क्यूलिस वाली कहानी जब कंटिन्यू होगी। और अब थॉर के पास एक छोटी बेटी है लव, विच इज क्यूट टू वॉच बिकॉज इट्स हिज ओन डॉटर। इंडिया नाम है इसका। एंड मेरा भी अभी 1.5 साल पहले एक छोटा बेटा हुआ है, तो आप थोड़ी इन बातों से रिलेट कर लेते हो। तो आई मीन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द थॉर फिल्म्स। अगेन मुझे आवाज़ देने का मौका मिलेगा और आप लोग फिर मुझे बता सकते हैं। दो बड़ी फिल्म्स हैं, एक है मल्टीवर्स सागा की कैंग डायनेस्टी जो कि एवेंजर है, और दूसरी है एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स। सीक्रेट वॉर्स में इतना तो 101% है कि थॉर को किसी ना किसी तरीके से लाएंगे, लव को लेकर आएंगे ही आएंगे। सो इन दोनों फिल्मों को लेकर आपका क्या व्यू पॉइंट है? अभी मुझे कुछ पता नहीं है, एंड ये वाली कॉमिक्स मैंने पढ़ी नहीं है, सो मुझे इनकी ओरिजिनल स्टोरी भी नहीं मालूम। और मैं अब बिकॉज मुझे डब करना होता है, इसलिए अब मैं जानबूझ कर, जब तक कि मैं डबिंग करने के लिए जाता नहीं तब तक मैं एक्चुअली फिल्म के बारे में अब कुछ भी पता नहीं करता, ताकि मेरे दिमाग में कोई इंटरप्रिटेशन इम्प्रेशन पहले से रहे नहीं। ताकि जब मैं जो फिल्म देखूं, जिस रूप में, जिस फाइनल वर्जन में वो फिल्म होती है, मैं उसी वर्जन में उसको, मेरा पहले से कोई प्रीकंसीव नोशन नहीं होना चाहिए। प्रीकंसीव नोशन होता है तो कभी कभार आप चीज़ों को उस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। कभी कभार जब आप ब्लैंक रखते हैं अपने आप को जी, तो जो सामने बनी हुई चीज़ है उसको बेटर एक्सेप्ट कर पाते। तो मैंने ज़्यादा पता किया नहीं, मैं एक्साइटेड बहुत हूँ क्योंकि मैं आई नो मैं इंडियन थॉर हूँ, मैं इंडियन आवाज़ हूँ थॉर की, वो सब सही है जी। पर मैं ऑल्सो एक मार्वल यूनिवर्स का फैन हूँ एज एन ऑडियंस ऑल्सो, so that fanboy in me wants to be excited about the films just because I'm dubbing for it or main logo se pehle dekh leta hu. Mujhe to kabhi kabhi maza is baat ka aata hai ki main logo se pehle dekh leta hu, but you know I'm very excited. I think aage jaake bahut exciting hone wala hai because ab ye cheeze bahut spread ho rahi hai, ab television shows bhi chal rahe, there's Loki, there's Miss Marvel, and how brilliant is Loki, मतलब कितना अच्छा शो बना। सो आई एम सेइंग यू नो आई हैव हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम देम, एंड आई थिंक अगर ऑडियंस का कोई रिएक्शन आ भी रहा है लाइक यू वर सेइंग, तो वो आने वाली चीजों में उस चीज को इंक्लूड कर लेंगे। ओके ओके। अच्छा अगर बात करें हम हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की, बॉलीवुड की बात करें, तो ऑफ कोर्स बेहतरीन कंटेंट अभी थोड़ा सा आना रुक गया है, एक पर्टिकुलर जॉनरा की फिल्म्स आ रही हैं, लेकिन 2023 लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग क्योंकि शाहरुख खान की ही खुद 3 फिल्में आ रही हैं, अगर आपने देखा होगा, एक पठान, एक जवान, एक डंकी। तो आप मतलब अगर बात करें एज अ गौरव चोपड़ा, क्या आप उन्हें मतलब किस वे में देखते हैं, जैसे आमिर खान को यू अडोर हिम वेरी मच? शाहरुख इज माय सीनियर फ्रॉम स्कूल, मैं उन्हीं के स्कूल से हूँ तो वो मेरे सीनियर हैं, तो मेरी दूसरी लॉयल्टी है उनके लिए। थोड़ा सा वक्त हो गया कुछ
थोड़ा सा अरसा बीत गया उन्हें स्क्रीन पे कुछ देखे हुए, तो आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड टू सी वो क्या करेंगे. एंड शुरुआत से ही फॉर मी शाहरुख सर ऑन स्क्रीन इज पैशन, एनर्जी. जो करते हैं वो फुल पैशन से करते हैं, गाना, रोमांस, डांस. अगर किसी से सीन में पिटाई भी हो रही है उनकी तो वो फुल शिद्दत से कर रहे होते हैं. एक मुक्का पड़ता है वो चार समरसॉल्ट खा के गिरते हैं. तो वो शुरू से ही he's been like that, no? So, I love that about him. And he came at a time जहां ऐसा नहीं किया जाता था, तो he basically set a trend for that kind of performance. अब हर रोमांटिक हीरो ऐसे करना चाहता है. हर हीरो चाहता है कि एक पहाड़ी पे खड़े होकर मेरे बाल ऐसे उड़े हैं पर मैं हाई स्पीड में ऐसे देखता हूँ. He said those things. So I'm sure in this new phase he'll reinvent himself and show something else. थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फेज है सिनेमा के लिए वर्ल्ड वाइड और इंडिया में भी. टेस्ट बदल रहे हैं, बहुत सारा इंटरनेशनल काम लोग देख रहे हैं. नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, इन सब इंटरनेशनल चैनल्स के ऊपर लोग बहुत सारा काम देख रहे हैं. उसकी वजह से टेस्ट में एक बदलाव आ रहा है और अभी हम उस चेंज के बीच में, अभी सेटल नहीं हुआ. तो कब क्या क्या पसंद आएगा बताना मुश्किल है, बट ऑल द बेस्ट टू हिम एंड आई एम श्योर. मुझे पर्सनली जवान का वो जो एक टीजर था वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा. एंड लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस, ऑल द बेस्ट टू हिम. Okay. अच्छा, हमारे जो दर्शक हैं, जो आपके फैंस हैं, आपकी आवाज़ के फैंस हैं, वो जानना चाहते हैं कि आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं. ये साल एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग साल था. हमने अपने जो आज तक काम किया है उससे कुछ हट के काम करने वाले थे इस साल, तो और उसी हिसाब से हमने चीज़ों को लाइन अप किया था. उसमें पहला, सबसे पहला जो कदम था वो था बच्चन पांडे. तो बच्चन पांडे में हम एक मेन एंटेगनिस्ट के तौर पर साइन किए गए थे. उसमें हम एक सड़क के गुंडे हैं, राजस्थानी फ्लेवर रखा था कॉस्ट्यूम में भी और बात में भी. और जो नेक्स्ट अब लोग मुझे देखेंगे वो होगी द सीक्वल टू गदर, विच इज़ कॉल्ड गदर टू, जो सनी सर के साथ है. इसके अंदर मैं एक पेट्रियोटिक आर्मी ऑफिसर प्ले कर रहा हूँ. अगेन वो बच्चन पांडे से कम्प्लीटली डिफरेंट है और एक इंडिया पाकिस्तान वॉर सिचुएशन है. उसमें ये हमारा एक आर्मी हीरो का रोल है, बहुत अच्छा है. अनिल जी ने बहुत 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 प्यार से मुझे बुलाया है वो फिल्म करने, और बहुत प्यार से मुझे, लिटरली बहुत इज्जत से उस फिल्म में बुलाया और मुझसे कहा कि तुम ये करो. और मुझे सीन्स भी वैसे दिए हैं और डायलॉग्स भी वैसे दिए हैं. उसके लिए एक अलग तरीके की बॉडी, एक अलग तरीके का फेस, बाल, चेहरा, दाढ़ी मूछ, वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट ह्यूमन बीइंग है. और इसके बाद फिर एक नेटफ्लिक्स के लिए शो है. मैंने पढ़ा भी था ये गौरव चोपड़ा. शो का नाम है राणा नायडू. ये राणा डगुपति के साथ है. इसके बारे में ज़्यादा बताना हमें अलाउड नहीं है. मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि उसमें आई प्ले अ फिल्म स्टार. तो ये तीन रोल्स एक दूसरे से कम्प्लीटली अलग है. वो एक सड़क का गुंडा, फिर एक 1970 का इंडियन आर्मी ऑफिसर हीरो, और फिर एक सोफिस्टिकेटेड ग्लैमरस देश का सुपरस्टार. सो अलग अलग किस्म की बॉडी, हेयर स्टाइल, आवाज़, लिंगो, तीन अलग, कम्प्लीटली तीन अलग गौरव बनाने की कोशिश की है. उम्मीद थी कि सब के सब 2023 में ही आ जाएगा, बट वो लॉकडाउन वॉकडाउन की वजह से थोड़ा थोड़ा डिले हो गई चीज़ें, और आई थिंक 2022 में आ जाएगा रादर, पर अब 2023 की शुरुआत तक तीनों चीज़ें आ जाएंगी. ओके, ये एक फिटनेस सेगमेंट भी है जहाँ पे मैं सेलिब्स से पूछता हूँ. हाँ, मतलब इतना खाना खिला के ये फिटनेस सेगमेंट भी है. गौरव चोपड़ा की अगर हम ये जो बॉडी देखते हैं एकदम चिसल्ड और एकदम फिटनेस एकदम देखते हैं, क्योंकि मैं आपको ना बहुत पहले से ही नोटिस करता आ रहा हूँ, आप हमेशा फिट रहे हैं, एक अलग ही लेवल ऑफ फिटनेस है. और इनफैक्ट अघोरी के टाइम पे तो आपकी अलग ही लेवल की बॉडी थी.
राइट. सो गौरव चोपड़ा क्या खा के इतना फिट है, उसका डाइट रूटीन क्या होता है, मॉर्निंग में उठते सबसे पहले क्या करते हैं? अच्छा पूरा सारा सीक्रेट बता दूं? नहीं ज्यादा मत बताइए लेकिन थोड़ा तो बताइए. थोड़ा बहुत मेन सीक्रेट ये है कि कोई किसी भी चीज को ज्यादा मत करो. हमारे इंडिया में प्रॉब्लम है कि जो चीज हमें पसंद है हम वो ज्यादा खाते हैं. जिसको चाय पसंद है वो दिन में 5 कप पी जाता है. ऑफिस में जिन लोगों को स्ट्रेस होता है वो 10 कप पी जाते हैं. जिसको चाय के साथ कोई मिठाई, कोई समोसा, कोई सैंडविच खाने की आदत हो जाए वो फिर रोज खाता है. जिसको कुछ मीठा खाने की आदत हो खाने के बाद वो रोज खाता है. तो क्या होता है, खाना पेट्रोल है, गाड़ी में उतना डालो जितना गाड़ी चलानी है. राइट. तो अगर गाड़ी आपकी नहीं चलने वाली है, घर पे पार्क रहेगी, तो आप भरी हुई गाड़ी में जाके और पेट्रोल क्यों डालोगे? बट आप सुबह से सो रहे हैं संडे को, आप उतना ही खाना खाते हैं दोपहर को जितना आप रोज खाते हैं. फिर शाम को आपको चाय भी पीनी है, उसके साथ भी चीजें खानी है. और हम अपनी बॉडी को इतनी आदत डाल देते हैं उतना खाना खाने की कि हमको लगता है हमको भूख लग रही है. एक्चुअली वो रिक्वायरमेंट नहीं होती. सो मैं सिर्फ इतना ही करता हूँ, मैं सब खाता हूँ. जैसा आप देख रहे हैं ये भी खा रहा हूँ जो फ्राइड है, ये भी खा रहा हूँ जिसमें घी लगा है, ये भी पी रहा हूँ जिसमें चीनी है. बट आप सब कीजिए बट मॉडरेशन में कीजिए. वैसे भी नेचर में हर चीज का कुछ एक पर्पस है. सीजनल फ्रूट्स जरूर खाइए. 12 महीने वाटरमेलन मत खाइए, वाटरमेलन के सीजन में खाइए. उसका एक पर्पस है, नेचर ने उसको उस सीजन में निकाला, उसका एक पर्पस है. सीजनल फ्रूट्स, सीजनल वेजिटेबल्स और बाकी सब मैं खाता हूँ पर मॉडरेशन में. तो ज्यादा मीठा नहीं करता, स्मोक एंड ड्रिंक मैं नहीं करता. खाने के बाद और सोने से पहले एटलीस्ट 2 से 3 घंटे का गैप देता हूँ. इसके अलावा कोई इतना बड़ा सीक्रेट नहीं है. फिर इसके बाद वाला सीक्रेट वो किताब में लिखूंगा जब बेचनी होगी. और वो किताब वो मैंने जो बोली ना सुनहरे अक्षरों से, तो गौरव चोपड़ा का नाम तो जरूर आएगा. थैंक यू सो मच गौरव. You're welcome. थैंक यू सो मच. थैंक यू. इज विद मी. चीयर्स. चीयर्स. ये वैसा तो नहीं है, आप ऐसे पियोगे. वन मोर.